वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे यूके की स्कॉलरशिप्स के बारे में, कौन कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो 2024 में जो है वो ऑफ़र हो रही हैं, किस तरह से वहाँ पर अप्लाई करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं और क्या प्रोसीजर है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी। जब से मैंने वीडियोज़ बनाई हैं तो यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो ज़्यादातर आइल्स की रिलेटेड होती है कि आइल्स तो नहीं है इन स्कॉलरशिप्स में, तो नहीं है जी, इनमें स्कॉलरशिप्स में आइल्स नहीं है। अगर है आपका तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 5 स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगी और इनके डिफरेंट जो है वो बेनिफिट्स होंगे और कौन सी कैटेगरीज़ के लिए हैं। सबसे पहले तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए हैं, कुछ स्कॉलरशिप जो हैं वो आर्ट्स वालों के लिए हैं, कुछ टीचर्स के लिए हैं और कुछ जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगी कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो कुछ स्कॉलरशिप्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसमें वो आपको पार्शली देंगे, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपकी जो है वो फ़ी जो है वो हाफ़ हो जाएगी, यानी कि हाफ़ आप पे करेंगे, हाफ़ जो है वो यूके की गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी। और जो फुल फंडेड स्कॉलरशिप है उसमें आपका जो है वो लिविंग एक्सपेंस आ जाएगा, आपकी ये फ़ी वगैरह आ जाएगी और इसके बाद जो आपके फ्लाइट जो एक्सपेंसिव होंगे वो भी वो गवर्नमेंट की जो है वो पल्ले पड़ जाएंगे, वो ही इसको कवर करेंगे। तो आप जो लोगों ने लाजमी इन स्कॉलरशिप को फाइंड करके जो है वो आपने अप्लाई करना है, ताकि आपके लिए जो आप ये जो आपको चांस मिलता है इसमें किसी न किसी की लक जो है वो काम कर जाती है। यहाँ पे कम CGPA वाले भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और हाई CGPA वालों के लिए भी ये स्कॉलरशिप्स हैं। अब कुछ स्कॉलरशिप जो हैं वो हाई CGPA वालों के लिए हैं, वो उनको अलग से बेनिफिट्स देते हैं। जो हाँ जो स्टूडेंट CGPA कम है उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप्स होती हैं। अब जैसे हाई CGPA वाले हैं उनके लिए जो है वो अलग से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स उनको मिल जाती है, जिसमें लिविंग एक्सपेंस इसके अलावा फ्लाइट एक्सपेंस और फी वेवियर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा उनको जी मंथली इनकम भी मिलती है, ठीक है। जो होते हैं लो CGPA वाले उनको हाफ स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ठीक है। तो उसमें उनकी फ़ी जो है वो वेवियर हो जाती है, इस तरह की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो डिस्कस करते हैं कौन कौन से इनके बेनिफिट्स हैं और कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो एकेडमिक मेरिट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका CGPA हाई CGPA है, ये जो स्कॉलरशिप है उनके लिए ऑफ़र की गई है। इसके अलावा अगर हम जब परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप देखते हैं, यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस कर लूँ कि ये कौन सी स्कॉलरशिप होती है। इसमें आपके अंदर कोई स्किल है, अगर आप क्रिकेटर हैं, अगर आप म्यूजिशियन हैं, अगर आप किसी भी अगर आप डांसर हैं या किसी भी तरह का स्किल आपके अंदर है, थोड़ा सा भी है और आप उस स्किल में एक्टिव हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। इसमें भी आपके जो है वो फ़ी वेवियर हो जाएगा, इसके अलावा सारे जो एक्सपेंस हैं वो गवर्नमेंट जो है वो अफोर्ड करेगी। तो आप मस्ट इसमें अप्लाई करें। कोई भी अगर आपके पास जो है वो स्किल है तो आप लाजमी इसके अंदर जो है वो अप्लाई करें, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। ये आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिलती है, जिस तरह से आप किसी डिपार्टमेंट के जैसे CS डिपार्टमेंट हो गया, इसके साथ आर्ट्स का हो गया, या इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उससे रिलेटेड स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र की जाती है और उसके भी जो है वो अलग अलग बेनिफिट्स हैं। लेकिन मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप सबको मिलती है और उसमें आपके जो है ना वो सारे एक्सपेंस कवर हो जाते हैं। जो लो CGPA वाले हैं उनको भी मिलती है ये स्कॉलरशिप और वो उसमें भी जो है वो कंफर्टेबल है, मतलब वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं और वहाँ पर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इक्विवेलेंस और इसकी भी स्कॉलरशिप है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपके जो है वो जो रिफ्यूजी हैं या किसी को किसी भी वजह से यहाँ से इसको यहाँ से लीव करना चाह रहे हैं, कोई वजह है या जिन्हें कोई थ्रेट मिला हुआ है, तो उसकी बेस पर वो अप्लाई करेंगे तो वो भी उनको स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र की जाएगी और वो भी अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। कुछ लोगों के ऐसा होता है कि मतलब फैमिली जो है वो दुश्मनियाँ जारी होती हैं या फिर किसी को जो है वो मारने के थ्रेट्स मिल रहे होते हैं, तो उसकी बेस पर वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट जो है वो ऑफ़र करती है। इसके बाद पाँचवीं जो आ जाती है डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप। अगर आप किसी का कोई भी एरिया जो है वो डैमेज है तो वो लोग भी यहाँ पर स्कॉलरशिप कर सकते हैं, उनको भी फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स कौन सी है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे AS ऑन बाय ट्रस्ट स्कॉलरशिप है, इसमें जो है वो ये स्कॉलरशिप फुल फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर जाकर इसकी रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं। आइट्स जो है वो यहाँ पर मस्ट नहीं है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी जो वेबसाइट है वो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं और उसके बाद आप फॉरन इसमें अप्लाई कर दें। अब अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होगा। अच्छा, स्कॉलरशिप में आपकी जो फुल फ़ी है वो वेवियर हो जाएगी, उसके बाद आपको जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा जो कि एटलीस्ट
15,500 यूरो मिलेंगे, और ये ह्यूज ह्यूज जो है वो रकम है, और इसमें आपकी अकोमोडेशन लिविंग एक्सपेंस भी इंक्लूड होंगे और ये सब कुछ कवर करेगा। तो यहाँ पे मस्ट आप अप्लाई करें। अब इसकी जो है वो एंट्री रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, वो कौन सी है। यहाँ पर वो लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो कि शदीद करीब तरीन या फिर मिडल कंट्रीज़ के अंदर जो है वो रहते हैं, और वो यहाँ पे ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान जो है वो इन कंट्रीज़ में आता है, तो आप ज़रूर अपनी गुरबत का यहाँ पर फ़ायदा उठाएं और ज़रूर यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई करें। तो गरीब होने का फ़ायदा तो आपने लेना है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करें। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो डिग्री है फर्स्ट डिग्री, उसमें आपको कम से कम आपके पास जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने जो है वो ये डिग्री मिनिमम 3 ईयर्स की आपके पास होनी चाहिए जो आपने कंप्लीट की हो, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इनके कहने का बात ये है कि आपने बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपको ये स्कॉलरशिप लेने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो फिर आपने जो है वो अपने सीवी में इंक्लूड करना है ताकि उन्हें पता चले आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो अगर जिसने नहीं भी किया वो भी ऐड कर ले, उन्होंने आपसे एक्सपीरियंस लेटर मांगा तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके जान पहचान वाले होंगे आप उनसे बनवा कर जो है वो शो करवा सकते हैं। तो ये जुगाड़ सिर्फ मैं बता सकती हूँ और आपको कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ ये उस हद तक है अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो आपकी सीवी पर बहुत मैटर करता है जब आप उसको शो करते हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से अप्लाई करना है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, इस आप लिंक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है वो सेलेक्ट करना है सितंबर 2024। ये इससे पहले जो है दिसंबर में ये ओपन हुआ था, अब ये दोबारा ओपन हो गया और आपने मार्च में इसको अप्लाई कर देना है, और इसके बाद ये ओपन होगा लेकिन उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता। लेकिन अब आप मार्च में ये इसको अप्लाई कर लें ताकि आपके लिए जो है वो आप इसमें कंसीडर हो जाएं, ठीक है। इसमें अगर जहाँ पर स्टूडेंट्स ने पहले से यहाँ पर इनरोल किया तो यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड जो है वो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आपने जो है वो दोबारा से इसमें लॉगिन करना है। किस तरह से लॉगिन करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम यहाँ पर जाते हैं इसकी क्रिएट न्यू यूज़र पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना जो है वो फर्स्ट नेम लिखना है, और उसके बाद अपने सर नेम लिखना है, और फिर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, होम ईमेल एड्रेस लिखना है, इसके बाद आपने पासवर्ड क्रिएट करना है, और कंफर्म पर जो है वो दोबारा से आपने पासवर्ड को लिखना है, और उसके बाद आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरी जो है वो स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है सिर्फ खवातीन के लिए है, तो इसको बोलते हैं स्टैम्प स्कॉलरशिप। तो इसमें आपकी सारी जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी जो कि स्टूडेंट्स की मोस्टली जो है वो क्वेरीज होती हैं कि आइट्स है नहीं है, यहाँ पे क्या क्या जो है वो कवर करते हैं, अकोमोडेशन लिविंग एक्सपेंस सब कुछ ये कवर करते हैं कि नहीं। तो जी इसमें जो है वो सारी एक्सपेंसिव जो है वो कवर होती हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश सपोर्ट भी किया जाएगा, यहाँ पे आइल्स जो है वो मस्ट नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश के लिए भी सपोर्ट किया जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आपको प्रोफिशिएंसी लेटर पर भी आपको ऑफ़र लेटर जो है वो हम दे देंगे, यानी कि स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र कर देंगे। तो आप लोगों ने जो है वो ये मस्ट अप्लाई करना है। यहाँ पे इसकी अभी तक एग्जैक्ट डेट जो है वो ऑफ़र नहीं हुई, वो तब हो जब होगी तो वो आपको ईमेल जो है वो कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने करना है साइन इन। साइन इन करने के बाद आपको ये मेल जो है वो आपके ईमेल में आ जाएगी, और जब ये अनाउंस करेंगे फिर आपको ये लिंक भेजेंगे, और इस लिंक में फिर आपको वो ये बताएंगे कि आप अब से जो है वो एलिजिबल हैं और इसको अप्लाई करें। तो ये जस्ट स्कॉलरशिप खवातीन के लिए है, और यहाँ पर मर्द हज़रात जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ा सा नुकसान है हम लोगों के लिए, लेकिन खवातीन के लिए एक बेनिफिट है। तो यहाँ पर आप जो ये वाली स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिए। इसको अब मैं आपका अकाउंट क्रिएट करना बता देती हूँ कि आपने किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं साइनअप पर। साइनअप पर क्लिक करने के बाद आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। वो ईमेल एड्रेस लिखेगा जो एक्टिव होता है। सम टाइम लोगों की क्यूरीज होती है हमारा ईमेल बंद हो गया है, तो वो फिर उसका सलूशन नहीं होता। तो एक्टिव ईमेल आपने यूज़ करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे बॉक्स को चेक कर देना है, और आप जिस कंट्री से है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, तो यहाँ पर वो आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर उसको अपने कंट्री को सेट करेंगे, और उसके बाद आपने आई एग्री पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद ये आपको एक लिंक देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर आकर
अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप को। थर्ड चीज़ जो है वो आपको यहाँ से बता दूँ कि अगर आपने यहाँ पर स्कॉलरशिप यूके की फ़ाइंड करनी है, जो कि ग्रेट स्कॉलरशिप है जो कि ऑफ़र की जा रही है, वो भी मैं आपको बता दूँ। उसके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे बताती हूँ जाकर कि किस तरह से अप्लाई करनी है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ जो इसकी स्कॉलर पोर्टल है वो है study.uk.britishcouncil.org। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने कोर्सेज, फिर इंस्टीट्यूशन और यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो कोर्स आपको जो भी होगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी है वो आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपने सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने स्टडी लेवल, आप मास्टर के लिए कर रहे हैं, PhD के लिए कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सेलेक्ट रीजन करना है यूके का। अगर आपने यूके का रीजन सेलेक्ट करना है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप इसको इस तरह से भी जो है वो स्किप कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लैंड में करना है, स्कॉटलैंड में, यहाँ पर सारी इसकी ऑप्शंस दिए हैं, जहाँ जहाँ से आपने सर्च करनी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो स्कॉलरशिप्स हैं वो शो हो जाएंगी, कौन कौन सी ऑफ़र हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, ये AS ऑनर बाय ट्रस्ट स्कॉलरशिप, ये मैंने पहले अभी आपको बताया था कि ये स्कॉलरशिप जो है वो ये ऑफ़र हो रही है। तो यहाँ पर आप इसको जो है वो इसकी वेबसाइट पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दूँगी, वहाँ पर आपने जाकर अप्लाई करना है। इसके बाद देख रहे हैं स्टैम्प्स जो है वो स्कॉलरशिप की जा रही है ऑफ़र। अब इसके बाद मैं आपको ग्रेट स्कॉलरशिप के बारे में बताऊँ, इसमें पाकिस्तान जो है वो एलिजिबल है, लेकिन इसका जो ग्रेट स्कॉलरशिप है इसमें आपको पार्शली स्कॉलरशिप मिलेगी, फुल फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर तो आपकी सपोज अगर आपकी 20,000 pounds जो है वो आपकी फीसेज हैं, तो फिर आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो 10,000 pounds जो है वो आपने पे करना है और बाकी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अप्लाई उसको पे करेगी। और अगर आपकी अगर 10,000 है तो ये सारी की सारी वो पे कर देंगे गवर्नमेंट, आपको कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने यूनिवर्सिटी जो है वो सर्च कर लेनी है जिनकी स्कॉलरशिप जो है, जिनकी फीस जो है वो 10,000 pounds तक है, ताकि आपको कुछ भी पे करना ना पड़े। तो यहाँ पे मैं उन यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट आपको शो कर देती हूँ जिनमें आप ये वाली स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी क्राइटेरिया देख कर, उनकी फीस देख कर आप उस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लें। तो सबसे पहले एस्टर्न यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो है वो ग्रेट स्कॉलरशिप जो है ऑफर की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, ये थर्ड आ जाती है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और ये टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन। 17 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ग्रेट स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई जो है वो ऑफ़र करें। यहाँ पर आप इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की वो आपने देख लेनी है, और उसके बाद आप इसको जो है वो अप्लाई करें। तो आपने सबसे ज़्यादा चीपेस्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिसकी जो फीसेज है वो कम है, तो ये स्कॉलरशिप आपको काफ़ी बेनिफिट्स दे सकती है। जस्ट आपको जाने का खर्चा होगा, इवन आपको जो फीसिस का प्रॉब्लम होगा वो नहीं होगा, क्योंकि यूके में कुछ इस तरह से है कि आपकी अगर फीसिस जो है वो पे हो जाए और स्कॉलरशिप वो आपको मिल जाए, तो आपको जॉब फाइंड करने में और अपने एक्सपेंस पूरे करने में कोई इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती, आप सर्वाइव कर लेते हैं। और आपको 6 months तक जो है वो सबसे सर्वाइव करना पड़ता है। लेकिन अगर आप जाते ही अगर आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है, तो आपने एक कार्ड बनवाना होता है, वहाँ वो ट्रेनिंग देते हैं आपको सिक्योरिटी की, तो उसमें आपको अच्छी खासी अमाउंट मिलती है। और आप 200 pounds से लेकर आप 3,000-5,000 pounds तक जो है वो कमा सकते हैं, और फिर अपनी फीसिस को भी आप पे कर सकते हैं और लिविंग एक्सपेंस भी आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई होंगी। मैं इन स्कॉलरशिप्स के जो है वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से जो है इन स्कॉलरशिप में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और प्लीज़ अप्रिशिएट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिया करें और दूसरों को भी शेयर किया करें। और अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं इसी तरह की स्कॉलरशिप्स की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी, और इससे मैं भी मोटिवेट होंगी। किसी तरह की भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी पूरी ट्राई होती है कि मैं आपको 24/7 जो है वो आपकी क्यूरीज के आंसर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।